Oh my god! That's a big gator, buddy! दोस्तों, हम में से कई लोग वाइल्ड लाइफ को करीब से निहारना चाहते हैं, लेकिन तभी जब जानवर बाड़े या चिड़ियाघर में बंद हो। लेकिन क्या हो जब आप रास्ते से गुजर रहे हो और अचानक जंगली जानवर आपके सामने आ जाए? जाहिर तौर पर यह एक डरावना एक्सपीरियंस होगा। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं ऐसी ही एक से बढ़कर एक रोमांचक घटनाएं, जिन्हें देखकर आप घर बैठे बैठे ही जंगल का एडवेंचर ले सकेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो की एक एक क्लिप ढूंढने में हमें कई कई दिनों की मेहनत लगी है, इसलिए अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमल एनकाउंटर पार्ट 3। गुजरात के अमरेली जिले के ग्रामीण इलाके का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। इस वायरल वीडियो में एक साथ कई भूखे शेरों को इंसानी बस्ती में गश्त करते देखा गया। शिकार की तलाश में इन शेरों को जिसने भी गलियों में गश्त करते देखा वो एक बारगी हक्का बक्का ही रह गया। वो तो गनीमत रही कि कोई इंसान इन शेरों की चपेट में नहीं आया, नहीं तो। खैर, ये वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ के लोग कई दिनों तक डर और दहशत के माहौल में रहे थे। इसी तरह गुजरात के जूनागढ़ के जंगलों में भी एशियाई शेर रहते हैं, जो कई बार खाने की तलाश में सड़कों पर आ जाते हैं। इस वीडियो में भी एक शेर रात के समय होटल कैंपस में घुसाया। शेर को रूबरू देखकर गार्ड की तो घिग्गी ही बन गई। वो अपने कैबिन में ही दुबका रहा। वहीं थोड़ी देर कैंपस में घूमने के बाद ये शेर वापस बैरिकेड कूदकर बाहर चला गया। शेर के जाने के बाद गार्ड ने राहत की सांस ली। दिल्ली के चिड़ियाघर में लॉयन से एनकाउंटर का ये वीडियो रूह कंपा देने वाला है, जिसमें ये आदमी किसी फिल्मी सीन की तरह शेर के बाड़े में कूदकर शेर के सामने जा खड़ा हुआ। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। करीब एक मिनट के वीडियो में शख्स पहले बाड़े में खड़ा रहा और फिर वहीं शेर के सामने जाकर बैठ गया। ये मंजर जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। ये शेर बार बार इस शख्स को सूंघ रहा था, लेकिन उसने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शेर के बाड़े में कूदने की जानकारी जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को हुई, आनन फानन में वो बाड़े में कूदे और इस शख्स की जान बचाई। बाद में पता चला कि ये शख्स मानसिक रूप से कमजोर था। अमेरिका में 11 अप्रैल 2023 की एक शाम, डेविड नाम का ये शख्स अपने लाउंज कुर्सी पर आराम कर रहा था, लेकिन उसका आराम तब हराम हो गया जब उसने अचानक एक भालू को अपने सामने पाया। इधर तकिए को जोर से पकड़े डेविड भौचक्का था, तो उधर भालू। लेकिन डेविड की किस्मत अच्छी थी कि कुछ पलों में ये भालू तेजी से बाहर की तरफ भाग गया। जंगली भालू काफी खतरनाक होते हैं। इनके वार से जख्मी लोगों की तस्वीरें तो आप देख भी नहीं पाएंगे। ऐसे में जरा सोचिए इस शख्स की क्या हालत हो रही होगी जो इस खतरनाक भालू से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा है। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसका पैर भालू से छूट गया, वरना इसे कब का शिकार बना चुका होता। इसी तरह एक और वीडियो में एक लड़की का भालू से एनकाउंटर हो जाता है। वो जैसे ही कार का दरवाजा खोलती है तो उसमें से खूंखार भालू को देखकर चीखती हुई उल्टे पांव वापस भाग जाती है। गनीमत रही कि इस लड़की को पहले से किसी अनहोनी का अंदाजा हो गया, तभी तो वो पहले से अलर्ट हो गई थी। यहाँ इस तेंदुए को इंसानी इलाकों में आतंक मचाते हुए देखा जा सकता है। घबराए गांव वाले इस तेंदुए को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तेंदुआ रास्ते में आने वाले हर आदमी को घायल करता जा रहा है। अंत में वो भीड़ को चीरते हुए वापस जंगल की ओर भाग खड़ा होता है। तेंदुए के साथ इस तरह हुए एनकाउंटर ने लोगों को हैरान परेशान कर दिया था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 2000 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम सब मिलकर ये टारगेट पूरा करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे एनिमल एनकाउंटर सीरीज का इससे भी बेहतरीन वीडियो। असम के जोरहाट में गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण, जहां से खाने की तलाश में निकला यह तेंदुआ इस वन विभाग की वैन पर झपट पड़ा।
तेंदुए को सामने पाकर वन कर्मचारी काफी घबरा गया। वैसे इस तेंदुए ने एक दिन में ही करीब 15 लोगों को जख्मी कर दिया था। वो तो शुक्र था कि वैन का शीशा बंद था, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। अब जरा दिल थाम कर देखिएगा, यहाँ दो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर एक आदमी और एक पैंथर ठीक आमने सामने चढ़े हुए हैं। जरा सोचिए इस आदमी की क्या हालत हो रही होगी जिसका इतनी ऊंचाई पर अचानक इस मुंह फाड़े खड़े पैंथर से सामना हो गया है। इतनी ऊंचाई पर यह बेचारा एकदम हेल्पलेस नजर आ रहा है। वैसे इसके सितारे तेज थे, तभी तो पैंथर उसे बिना नुकसान पहुंचाए वहां से नीचे उतर गया। ये नजारा देखकर तो कोई भी डर जाए। अब जरा इस जानवर को देखिए, जो दिखने में थोड़ा बिल्ली और थोड़ा शेर की तरह दिखता है। लद्दाख इलाके में जब यह सड़क पर दिखा तो सब लोग डर के मारे हक्के बक्के रह गए। यह जंगली जानवर एक हिमालयन लिंक्स है, जो जंगली बिल्ली में से एक दुर्लभ और खतरनाक प्रजाति है। ऐसे में इसे देखकर डरना तो लाजमी है, लेकिन अंधेरी रात में इतने लक्कड़ बग्गों के बीच से गुजर रही ये बेखौफ औरत जानती है कि डर के आगे ही जीत है। इसका ये एटीट्यूड देखकर लक्कड़ बग्गे भी उसके रास्ते से हट जाते हैं। वैसे एक बात कहूं, उनकी आवाजें सुनकर तो मैं भी डर गया था। यहाँ नाव में बैठा ये शख्स बोटिंग को एंजॉय करते हुए मछली पकड़ रहा है। मछली को कांटे में फंसाकर ये जैसे ही रस्सी खींचता है, वैसे ही मछली की जगह एक मगरमच्छ बाहर निकलता है। इसके बाद तो इस बंदे की हालत देखने ही लायक थी। इसी तरह ये आदमी भी कांटे में मछली को पकड़कर पूरी ताकत से उसे बाहर खींचता है, लेकिन यहाँ भी मछली की जगह मगरमच्छ बाहर आ जाता है। अब इससे कांटा न छूटते बन रहा और न ही पकड़ते। ठीक ऐसा ही हाल इस भाई साहब का भी है, जो मछली का वजन महसूस करते ही खुशी के मारे पागल हो रहा है और वो तेजी से कांटे की तार को समेटने में जुटा है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मछली की जगह उसने मगरमच्छ को पकड़ लिया है, उसकी खुशी छू मंतर होकर डर में बदल गई। जंगल सफारी के लिए निकले इस शख्स का सामना अचानक इस खूंखार शेर से हो जाता है, जो उसके करीब पहुंचकर उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो जाता है। ये मंजर देखकर तो इस शख्स की सांसें ही अटक गई, लेकिन वो बिना हरकत किए बुत बनकर बैठा रहा, जिसके बाद शेर चुपचाप वहां से निकल गया। इस शख्स की समझदारी से उसकी जान बच गई। ये सांड मोहल्ले की गली समझकर इस वेडिंग गाला में पहुंच गया, लेकिन यहाँ चमक धमक का माहौल देखकर कंफ्यूजन में पड़ गया, जिसके बाद ये बिन बुलाए बाराती नाराज फूफा की तरह इधर उधर दौड़ने लगा, कहीं से जाने का रास्ता मिले तो यहाँ दोबारा मुंह ही ना दिखाऊं। दो बाइक सवार लड़कों का इस गुस्सेल हाथी से एनकाउंटर हो जाता है। गुस्साए हाथी को सामने आता देख ये दोनों बाइक को छोड़कर भाग खड़े होते हैं। आखिर जान है तो जहान है। वहीं दूसरी तरफ इस गुस्साए हाथी को देखकर इस गाड़ी में बैठे लोग सिहर जाते हैं। हाथी को नजदीक आता देख ड्राइवर गाड़ी रिवर्स करने लगता है। जैसे जैसे हाथी नजदीक आता है, वैसे वैसे गाड़ी रिवर्स होती जाती है। इस डरा देने वाले मंजर को देखकर गाड़ी में बैठे लोग मंत्रोजाप करने लगते हैं, लेकिन आखिरकार भगवान इनकी प्रार्थना सुन ही लेते हैं। गजराज का गुस्सा शांत होता है और वो इन लोगों को रास्ता दे देता है। चलो राम बचाए ऐसे गुस्से से। यहाँ एक मादा भालू अपने बच्चों के साथ इंसानों के रिहायशी इलाके में घुस जाता है। वो घर की दीवार पर चढ़ते हुए आगे बढ़ने के बारे में मन बना ही रहा होता है कि घर के पालतू कुत्ते भौंकते हुए वहां आ जाते हैं। कुत्तों को आता देख भालू बचाव की मुद्रा में आ जाता है और कुत्तों पर ही अटैक करने लगता है। शोर सुनकर घर की मालकिन दौड़ते हुए वहां आ जाती है और अपने पेट्स को बचाते हुए भालू को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की एक एक तस्वीर के लिए फोटोग्राफर्स को कई कई घंटे जंगल में गुजारने पड़ते हैं। इस दौरान कई बार उनका जंगली जानवर से एनकाउंटर भी हो जाता है, जैसा कि इस फोटोग्राफर के साथ हुआ। ये चीता फोटोग्राफी कर रहे इस फोटोग्राफर की गोद में सर रख कर बैठ जाता है। चीते का ये शांत बर्ताव देखकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को लाइक और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।